फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रॉपर्टी उपहार में देने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे प्रॉपर्टी उपहार में देने के बारे में। गिफ्ट देने की खुशी अलग ही होती है, लेकिन किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने की तैयारी करते वक्त कुछ वित्तीय प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर आप गिफ्ट डीड के जरिए किसी को प्रॉपर्टी देने की सोच रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान में जरूर रखें। क्या रिश्तेदार को प्रॉपर्टी देने पर लगेगा टैक्स? जवाब है नहीं। अगर गिफ्ट डीड के जरिए प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम की गई है, तो न तो आपको और न रिश्तेदार को टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसे कानूनी शक्ल देने के लिए ट्रांजैक्शन पर आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50,000 से ज्यादा की संपत्ति किसी ऐसे शख्स के नाम कर रहे हैं जो आपका रिश्तेदार नहीं है, तो उसे वित्त वर्ष में टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को बेचकर मिले पैसे को गिफ्ट करना हो तो क्या करें? ऐसे मामलों में अगर वह शख्स आपका रिश्तेदार नहीं है, तो उसे टैक्स चुकाना पड़ सकता है। टैक्स कानून के मुताबिक वित्त वर्ष में किसी को 50,000 का गिफ्ट मिलता है, तो उसे अन्य सोर्सेस द्वारा प्रमुख आय के तहत टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन पैसा आपके बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अपने जीवन काल के दौरान संपत्ति उपहार में देने पर क्या होता है? अगर एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के जरिए अपने संपत्ति किसी और को देने का फैसला कर लिया है, तो उसके तुरंत बाद मालिकाना हक बदला जाएगा। लेकिन गिफ्ट डीड कानूनन वैध तभी मानी जाएगी जब स्टैंप ड्यूटी चुकाने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन आपके जीवन काल में किया जाएगा। इसे दो गवाहों से अटेस्ट भी कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रावधानों के मुताबिक डोनर को 4 महीनों के भीतर डीड को रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर गिफ्ट डीड के जरिए आपकी संपत्ति किसी एनजीओ के नाम हो गई है, तो वह तुरंत उस पर दावा कर सकती है। अब क्या गिफ्ट वापस ले सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 के सेक्शन 126 के मुताबिक अगर डोनर कॉन्ट्रैक्ट में यह बात नहीं लिखता है कि उसे गिफ्ट वापस पाने का अधिकार है, तब तक यह मुमकिन नहीं है। आप गिफ्ट पर आंशिक अधिकार भी रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप गिफ्ट डीड के जरिए 2 प्लॉट्स एक ही वक्त पर किसी दूर के रिश्तेदार को देते हैं, लेकिन दूसरे प्लॉट को वापस पाने का अधिकार अपने पास रखते हैं। ऐसे में आखिरी चरण पर आप पहले प्लॉट पर अधिकार का दावा नहीं कर पाएंगे। अब मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी हो तो क्या? अगर आप संपत्ति को तोहफे में देना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे में संपत्ति आपके मृत्यु के बाद किसी और के नाम वसीयत के जरिए होगी, न कि गिफ्ट डीड के जरिए। जब आप वसीयत बनाते हैं, तो आपको उसमें कुछ भी बदलने की आजादी मिलती है, लेकिन गिफ्ट डीड में यह सुविधा आप नहीं ले पाएंगे। अब प्रॉपर्टी गिफ्ट में देने के बाद कौन चुकाएगा बकाया? अब इसके बारे में हम जानेंगे।
प्रॉपर्टी ट्रांसफर कानून के प्रावधानों के मुताबिक गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति दूसरे शख्स के नाम होने पर वही सारा बकाया चुकाएगा। उदाहरण के तौर पर अंकल ने आपको एक फ्लैट गिफ्ट किया है और पानी बिजली अन्य सुविधाओं के तौर पर उन्हें 50,000 रुपए चुकाने हैं, तो अब वह बकाया चुकाना आपकी जिम्मेदारी है। अब क्या चैरिटेबल ट्रस्ट को संपत्ति गिफ्ट करने पर स्टैम्प ड्यूटी चुकानी होगी? यह आपके राज्य के कानूनों और किस तरीके से डीड बनवाई गई है उस पर निर्भर करता है। यदि आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को संपत्ति गिफ्ट कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी को कम किया जा सकता है या उसमें छूट दी जाएगी। हालांकि अगर आप प्रॉपर्टी किसी गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ को गिफ्ट कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। मगर ध्यान रहे कि सभी गैर सरकारी संस्थाओं को जमीन या संपत्ति बतौर गिफ्ट लेने की इजाजत नहीं होती। क्या भविष्य में मिलने वाली प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सकते हैं? अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो कानून के तहत उसे बेकार माना जाएगा। अब अगर गिफ्ट स्वीकार न किया जाए तो क्या? गिफ्ट डीड को कानूनन वैध बनाने के लिए बेनिफिशियरी को डोनर के जीवन काल में गिफ्ट स्वीकार करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ माना जाएगा और संपत्ति का मालिकाना हक डोनर के पास चला जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।